हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट वर्कशीट नंबर 17 जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं और इस वर्कशीट के बाद इंग्लिश की वर्कशीट के बाद हम आपकी सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की वर्कशीट करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में तो उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि इमिडिएटली आपको पता चल जाए जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें तो कई बच्चों ने हमसे पूछा है कि हम वर्कशीट का लिंक भेजें तो वर्कशीट जो है वो आपकी टीचर्स आपको ऑलरेडी दे ही रही होंगी तो हम यहाँ पर उस वर्कशीट को कैसे आप कर सकते हैं वो आपकी यहाँ पर हेल्प कर देंगे तो ये वर्कशीट है क्लास नाइन्थ की वर्कशीट सेवनटीन इंग्लिश की वर्कशीट ये वर्कशीट भी है डिस्क्राइबिंग पीपल पर और ऑलरेडी हम एक वर्कशीट इसमें इसमें कर चुके हैं इस टॉपिक पर आपको याद होगा कि मीना का डिस्क्रिप्शन था उस वर्कशीट में और फिर आपने मीना के फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा था तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट के डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है इस वर्कशीट में हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वर्कशीट वी वी हाउ कैन डिस्क्राइब पीपल यूजिंग हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि एडजेक्टिव को यूज करके एड्जेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो कोई भी नाउन को अगर हमें बताना है नाउन मतलब कि कोई भी पर्सन प्लेस या जगह का नाम या इंसान का नाम या कोई एनिमल या किसी भी चीज़ को या इंसान को अगर हमें डिस्क्राइब करना है हमें बताना है कि वो कैसा दिखता है वो कैसा है उसका टेक्सचर कैसा है उसका शेप कैसा है उसकी हाइट कैसी है तो कोई भी अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं जिसपे हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो इनको किसी भी नाउन को अगर हम जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं सो डिफरेंट ट्रेड्स दैट आर डिस्क्राइब इन अ पर्सन आर तो अलग अलग ट्रेड्स हैं हम किसी के डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम अलग अलग ट्रेड्स यूज करते हैं तो वो होते हैं फिजिकल अपेयरेंस पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड फीलिंग्स ऑलरेडी ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी तो आगे देखते हैं कि आपको क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन का तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक लड़की की पिक्चर है ये एंड इट लुक्स लाइक कि वो होली खेल रही है यहाँ पर तो उसी का डिस्क्रिप्शन है तो देख लेते हैं इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ द गर्ल इन पिक्चर इज माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया इस पिक्चर में मेरी एल्डर सिस्टर सुप्रिया मेरी बड़ी दीदी सुप्रिया की ये फोटो है शी इज वेरिंग अ वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा वो वाइट कुर्ता उन्होंने पहना है और दुपट्टा उनका बहुत कलरफुल है बहुत सारे रंग है इसमें शी इज वेयरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स तो उन्होंने यहाँ पर ब्लू कलर के गॉगल्स भी पहने हैं शी हेज अ स्माइल ऑन हर फेस एंड सीम्स टू बी इंजॉयिंग हर सेल्फ उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंजॉय कर रही है यहाँ पर बहुत मजे कर रही है

शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड वर्क पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है वो बहुत स्वतंत्र लड़की है वो अपना ख्याल खुद रख पाती है और वो स्कूल जाती है और स्कूल के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम भी करती हैं शी इज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर्स एंड लविंग टर्ड्स तो जो घर के बड़े हैं उनका वो बहुत आदर करती हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और साथ ही जो उनसे छोटे हैं उनके प्रति उनका बहुत ही प्रेम भरा भाव है बहुत ही अच्छे से उनसे भी व्यवहार करती हैं तो अब देख लेते हैं इसी पे बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है कैन यू फाइंड आउट ऑल द एजेक्टिव यूज इन द अब एग्जाम्पल प्लीज नोट देम डाउन एंड शेयर इट विद योर टीचर तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें सभी एड्जेक्टिव को ढूंढना है और लिखना है और अपनी टीचर से आपको शेयर करना है तो जल्दी से ये एड्जेक्टिव पहले देख लेते हैं हम तो इन एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं तो यहां पर है द गर्ल इन द पिक्चर इज माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया यहाँ पर बस बताया गया है कि वो आपकी बहन है शी इज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता तो वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि कुर्ता को ये डिस्क्राइब कर रहा है उनका कुर्ता कैसा है वाइट कलर का कुर्ता है वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा तो दुपट्टा कैसा है कलरफुल है शी इज वेरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स गॉगल्स कैसे हैं ब्लू कलर्ड शी हैज स्म ऑन हर फेस एंड सीम्स टू बी इंजॉयंग हर सेल्फ तो ये इंजॉयंग वर्ड जो है वो भी दिखा रहा है कि वो क्या फील कर रही है तो ये भी यहाँ पर एड्जेक्टिव है साथ ही साथ स्माइल ऑन हर फेस तो फेस कैसा है क्या है स्माइल है फिर आगे है शी ऑल्सो हैज सम कलर्स मेड ऑन हर फेस अगेन फेस पर क्या है कलर्स मेड ऑन हर फेस एंड लुक्स लाइक शी हैज प्लेड होली शी इज मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट तो ये मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट ये उनको डिस्क्राइब कर रहा है तो इसलिए ये भी आपका एड्जेक्टिव है फिर है शी हेज अ वेरी गुड नेचर तो ये गुड नेचर डिस्क्राइबिंग वर्ड है एडजेक्टिव है फ्रेंडली शी इज फ्रेंडली विथ पीपल ये उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है इंडिपेंडेंट ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर रहा है पार्ट टाइम विद गोइंग टू स्कूल शी इज रिस्पेक्टफुल ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड लविंग ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये बता रहा है कि ये आप ये सब ये सारे वर्ड्स जो है ये आप एल्डर सिस्टर इस एग्जाम्पल में जो है सुप्रिया उसके बारे में बता रहे हैं तो आगे चलते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है इन द बॉक्स गिवन बिलो पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड होम यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब फॉर अस तो नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है ये यह आपका यहाँ पर एक बॉक्स है तो इसमें आपको अपनी एक फैमिली मेंबर की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है इधर और या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को भी आ, के पिक्चर भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं हुम यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब आपको यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन देना है डिसाइड विच ट्रेड यू वुड लाइक टू हाईलाइट आपको ये भी देखना है कि आप उनके कौन से ट्रेड्स जो हैं कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन यूज वर्ड्स विच डिस्क्राइब देयर हाइट हेल्थ कॉम्प्लेक्शन देयर नेचर और वाई दे आर इंपॉर्टेंट टू यू तो साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं आप हाइट डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं आप हेल्थ क्या वर्ड्स शो करती हैं वो यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर तो ये या फिर वो क्यों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट uh, पर्सन है ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो आइए जल्दी से अब आपका एक्सैम्पल uh, आंसर भी देख लेते हैं तो आपका सैम्पल आंसर देखने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखा रहे हैं तो हमने तो एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन लिखा ही है लेकिन ऑफ ऑफकोर्स आप चाहे तो बिल्कुल आप अपने किसी रिलेटिव का किसी फैमिली मेम्बर का या किसी फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो जब आप वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे तो आप कहाँ से वर्ड्स लाएंगे तो वो वर्ड्स यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये वर्ड्स यूज करते हुए आप उनका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं तो यहाँ पर पहली कैटेगरी है वर्ड्स की अपियरेंस की तो आप यहाँ से वर्ड्स पिक कर सकते हैं कि कोई दिखने में कैसा है कद काठी कैसी है बिल्ट कैसी है हाइट कैसी है हेल्थ फीचर्स कॉम्प्लेक्शन तो ये सारी चीजें ये वर्ड्स है यहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं जैसे कि फेस उनका कैसा है गोल है या लंबा है या स्क्वायर शेप्ड है ये आप लिख सकते हैं हाइट कैसी है उनकी टॉल शॉर्ट मीडियम एवरेज बिल्ट कैसा है उनका वो पतले हैं या थोड़े मोटे हैं या ब्रॉड शोल्डर्ड है मस्कुलर है आप ये सब लिख सकते हैं उनके बाल कैसे हैं किस रंग के हैं स्मूद है कर्ली है वेवी है, है ये आप यहाँ लिख सकते हैं उनकी आंखें कैसी हैं आईज कैसी हैं बिग है लार्ज है ब्राइट है, है फिर एज उनकी कैसी है वो बड़े हैं छोटे हैं तो ये सारी चीजें जो हैं आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए लिख सकते हैं आगे चलते हैं अगला है आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स तो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं आप ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं नेचर कैरेक्टर क्वालिटीज ये सब दिखाने के लिए तो वो गुड एक्सलेंट वीक बैड टेरिबल स्ट्रोंग ऑनेस्ट डिजॉनेस्ट डिपेंडेबल ट्रस्ट वर्दी फेथफुल डिसिप्लिन ह्यूमरस अम्यूजिंग फनी इंटरेस्टिंग मूडी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव केयर फ्री चेयरफुल तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है फिर आगे है आपको आगे वर्ड्स दिए हैं हमने कि फीलिंग्स अगर आपको दिखानी है तो वो आप यहाँ पर इन वर्ड्स को यूज करते हुए दिखा सकते हैं कि उस पिक्चर में वो कैसे फील कर रहे हैं तो यहाँ हमने आपको दो तरह की कैटेगरीज दी है पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस तो अगर इस पिक्चर में वो खुश हैं एक्साइटेड हैं या बहुत ही शांत हैं तो उस ये वाले वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं और अगर वो उस पिक्चर में बहुत ही नेगेटिव थोड़ा इमोशन दिख रहा है यू नो हो सकता है आपने कोई ऐसी पिक्चर पिक की है जिसमें बर्थडे पार्टी है और आप वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उन्हें केक का पीस नहीं मिला है हो सकता है आपने ऐसी पिक्चर की हो तो उसमें आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे एंग्री ग्लम ग्लूमी ग्रम्पी ग्राउची मिजरेबल तो ये थोड़े नेगेटिव इमोशंस हैं तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो आइए अब आपका सैंपल आंसर देख लेते हैं तो इस सैम्पल आंसर में हमने एक पिक्चर यहाँ पर लगाई है तो ऐसे ही आप भी अपने किसी रिलेटिव की किसी फैमिली मेंबर की या किसी फ्रेंड की पिक्चर यहाँ लगा सकते हैं तो हमने भी शुरुआत की है उसी लाइन से जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई सिस्टर तो अगर आपकी बहन ऐसी तो आप यहाँ पर जरूर लिख सकते हैं सिस्टर लेकिन अगर आपने अपने किसी रिलेटिव की या किसी और की फोटो यहाँ लगाई है तो आप उनका नाम यहाँ लिखिए तो या तो आप लिखिए यहाँ फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ब्रदर कजन या फ्रेंड तो इनमें से कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं फिर हमने लिखा है हर नेम इज आशिका लेकिन आपने जिसकी फोटो यहाँ लगाई है पिक्चर लगाई है आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे हर या हिज अगर आपने किसी मेल की लगाई है यहाँ पर पिक्चर तो आप यहाँ लिखेंगे हिज नेम इज श्याम और राजीव uh, और समथिंग लाइक दैट फिर आगे चलते हैं इन द पिक्चर शी इज वेयरिंग रेड कलर ड्रेस विद वाइट स्मॉल डिजाइन ऑन इट तो हमने यहाँ इसकी ड्रेस को डिस्क्रिप डिस्क्राइब किया है शी हेज डार्क ब्लैक कलर्ड हेयर टाइड इन टू प्लेटेड पोनी टेल्स विद्लैक रिबन तो उसके यहाँ पर बाल जो है बहुत डार्क है ब्लैक कलर के हैं और जो चोटी बना रखी है प्लेटेड मतलब चोटियां बनाना और उसके फिर पोनी टेल बनाकर उसे ब्लैक रिबन से बांध रखा है तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले यहाँ पर वर्ड्स शो किए थे आप उन वर्ड्स को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो आप अपने पिक्चर के हिसाब से वर्ड्स पिक कीजिए और उसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं हर लूज वेवी हेयर इज फ्लाइंग विद द सी ब्रीज तो यहाँ पर कुछ बाल उसके लूज भी हैं तो वो सी ब्रीज के साथ उड़ रहे हैं शी हैज डार्क आईज एंड आईब्रोज उसकी आईज भी डार्क है उसकी आईब्रोज भी डार्क है अ स्मॉल नोज छोटी सी नाक है एंड अ लाफ्टर फुल ऑफ जॉय शोइंग हर गैप्ड टीथ तो उसकी जो हसी है वो उसमें बहुत ही ज्यादा जॉय दिख रहा है बहुत हैप्पीनेस दिख रही है उसकी हँसी में और साथ ही साथ उसके जो दांत में थोड़ा सा गैप है वो भी यहाँ पर दिख रहा है तो अगेन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है ऐसे डिस्क्रिप्शन देने में आगे आप लिख सकते हैं शी हैज अ ब्राउन कॉम्प्लेक्शन उसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में अब इंडिया में जनरली कॉम्प्लेक्शन या तो ब्राउन होता है या डार्क ब्राउन होता है या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है या ऑलिव कॉम्प्लेक्शन होता है या फेयर भी हो सकता है तो आप इनमें से कोई भी कलर लिखिए जो भी आपकी पिक्चर में है आप उस तरह से डिस्क्राइब कीजिए शी इज थिन एंड शॉर्ट हाइटेड एज शी इज स्टिल यंग एंड ग्रोइंग तो क्योंकि वो अभी छोटी है और अभी ग्रो ही कर रही है तो इसलिए उसकी हाइट अभी छोटी शॉर्ट uh, है छोटी है और वो थोड़ी पतली भी है शी इज चेयरफुल एंड एनर्जेटिक तो देखिये यहाँ पर अब हमने पर्सनैलिटी उसकी डिस्क्राइब की है कि जनरली शी इज वेरी चेयरफुल वो बहुत बबली है बहुत एनर्जेटिक है बहुत एनर्जी है उसमें शी लवस द सी एंड लुक्स एक्साइटेड इन द पिक्चर एट द बीच तो उसको जो है उसको समुद्र बहुत पसंद है तो इसीलिए इस ये जो फोटो जो है वो बीच पे ली गई है तो इसलिए यहाँ पर फोटो में भी वो बहुत एक्साइटेड दिख रही है आई प्ले एंड एंजॉय बींग विद हर मैं उसके साथ खेलता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ एंड आई कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट हर तो यहाँ पर आप ये भी दिखा रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आपकी बहन जो है कितनी इम्पोर्टेंट है तो उम्मीद करते हैं आपको इस वर्कशीट के डिस्क्रिप्शन से और इन सैम्पल से और इन वर्ड से हेल्प मिली हो और आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन ईजिली लिख पाए आपको कोई भी अगर डाउट है इस वर्कशीट में आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में पूछिए आप वर्ड्स अगर कोई पिक कर रहे हैं और किसी वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या कोई और भी अगर हेल्प चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो आइए चलते हैं अब आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हेलो स्टूडेंट्स तो आइए चलते हैं अब आपकी सोशल साइंस इकोनॉमिक्स यानी सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट पर ये वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर सेवनटीन कार्यपत्रक सत्रह ये वर्कशीट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधन पर ये वर्कशीट है तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे हम ये वर्कशीट और बाद में ये वर्कशीट पढ़ने के बाद समझने के बाद एंड में जो क्वेश्चन है हम वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे तो प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है तो कुछ प्रोड्यूस करना किसी चीज का उत्पाद करना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है तो ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मेकिंग एंड क्रिएटिंग तो ऐसी चीजें बनाई जाती है चीजें या सेवाएं चीजें मतलब प्रोडक्ट्स और सेवाएं मतलब सर्विसेज ऐसी उपयोगी वस्तुएं या सेवाएं बना बनाई जाती है जो किसी के काम आए जो यूजफुल हो जो उपयोगी हो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो so, जिन जब कोई आपको प्रोडक्शन करना है या किसी चीज का जब उत्पाद करना है तो उस चीज के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं यानी कि उत्पादन के कारक उन्हें कहा जाता है और ये कौन से होते हैं ये होते हैं चार जैसे लैंड लैंड यानी भूमि लेबर श्रम जो आपका ह्यूमन uh, लेबर हो सकता है जो उसमें काम कर रहा है लेबर कैपिटल यानी पूंजी आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल एंटरप्राइज मतलब उद्यम तो अब ये डिटेल में देख लेते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक जैसा मैंने आपको बताया पहला है लैंड यानी भूमि तो लैंड यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर फॉरेस्ट एंड मिनरल तो भूमि जो लैंड है उसके अंतर्गत क्या आता है इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वन खनिज आदि को शामिल करते हैं तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है जो हमें नेचर प्रोवाइड कराता है वो लैंड के अंडर आता है अगला है आपका लेबर लेबर का मतलब इट मींस पीपल हु विल डू द वर्क इसके अंतर्गत वो सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं तो जो जो काम कर सकते हैं और एक्चुअली में काम करना चाहते भी हैं उन्हें हम लेबर बुलाते हैं फिर थर्ड है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल कैपिटल यानी पूंजी अब कैपिटल जो है वो दो तरह की है फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थाई पूंजी और वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी तो ऐसी पूंजी जो हमेशा स्थाई रहेगी फिक्स रहेगी जो होगी ही होगी वो चेंज नहीं होगी वो फिक्स कैपिटल में आएगा और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी होगी जो चेंज होती रहेगी जो चलती रहेगी या यूज होती रहेगी तो इसको डिटेल में देखिए तो यहां लिखा है वाइल ऑन वन हैंड इट इंक्लूड्स टूल्स मशीनरीज एंड बिल्डिंग्स एक तरफ तो औजारों मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है जिसे स्थाई पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं सो दीस आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल तो जो टूल्स हैं मशीनरीज हैं जो बिल्डिंग्स हैं मतलब ये फिक्स्ड है ये चेंज नहीं होगी ये आपके फिक्स्ड कैपिटल हो गए एंड ऑन द अदर हैंड इट आल्सो इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड व्हिच इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल तो वहीं दूसरी ओर जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल जो आपको मिलता है चीजें बनाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए और नगद पैसे मनी इन हैंड जो है वो कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल में आता है क्योंकि वो चेंज होता रहता है कभी इतना मनी आया या फिर कभी कम आया कभी ज्यादा आया या मनी आता जा रहा है वो इन प्रोसेस है तो इसलिए वो कार्यशील या वर्किंग कैपिटल उसे बोला जाता है आगे चलते हैं आपका लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्राइज एंटरप्राइज यानी उद्यम इट मीस एफर्ट्स ऑफ पर्सन टू पुट टूगेदर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस तो इसके अंतर्गत उद्यम के अंतर्गत एंटरप्राइज के अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है तो एंटरप्राइज जो है उसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है या मानव पूंजी भी कहा जाता है क्योंकि एंटरप्राइज के थ्रू एक इंसान या इंसानों का एक ग्रुप व्यक्ति का जो समूह है वो ये जो आपके बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है भूमि श्रम पूंजी लैंड लेबर कैपिटल इन सब को इकट्ठा करके इन सब को ऑर्गेनाइज करके जो नई चीजें हैं या सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं तो आइए इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है जल्दी से वो देख लेते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका नेम द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है तो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज तो यही आपका उत्तर होगा हिंदी में भी आप यहां पर देख सकते हैं उत्पादन के चार कारक हैं भूमि श्रम पूंजी और उद्यम ये आप यहाँ पर आंसर वन में लिखेंगे क्वेश्चन टू पे चलते हैं आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द पिक्चर इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं ये आपको लिखना है तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है इस पिक्चर में बिल्डिंग्स हैं और इन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे बिल्डिंग्स हैं और ऐसी और बिल्डिंग्स बन रही है कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर लोग जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्होंने ऑफ कोर्स टूल्स और मशीनरी भी यूज की गई है और साथ ही साथ यहां पर मैनेजर भी यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि मैनेजर भी होगा यहाँ पर जो इन सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप इजीली कह सकते हैं कि इस पिक्चर में चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं तो यहाँ पर लैंड भी है क्योंकि इस लैंड पर जहां पर बिल्डिंग्स बन रही है तो वो लैंड अवेलेबल है लेबर है क्योंकि यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं कैपिटल है क्योंकि ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल यहाँ पर आया हुआ है और मनी इसमें लगा है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है साथ ही साथ टूल्स मशीनरीज भी बनाई यहाँ पर यूज की जा रही है साथ ही साथ ये एंटरप्राइज भी है क्यों क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी एक इंसान बस ऐसे ही इसको नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसमें लैंड लेबर कैपिटल सब साथ में दे आर बीइंग पुट टुगेदर सबको बहुत ही uh, साथ में शामिल किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इन दिस पिक्चर आई कैन सी आई कैन आइडेंटिफाई ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज तो इस चित्र में मैं उत्पादन के चारों कारक भूमि श्रम पूंजी और उद्यम को देख पा रहा या देख पा रही हूं ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे जल्दी से अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न तीन है आपका आगे चल के देखते हैं तो प्रश्न तीन आपका कह रहा है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड वाई उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों तो आपके आंसर थ्री में यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें आप लिखेंगे ऑल दो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंपॉर्टेंट हालांकि उत्पादन के सभी कारक महत्वपूर्ण हैं फिर भी मुझे लगता है कि उद्यम जो है एंटरप्राइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल उद्यम अन्य तीन कारकों के लिए एक साथ आने और उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना संभव बनाता है सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एंटरप्राइज दैट ऑल अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम टूगेदर एंड प्रोड्यूस यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज अब इसके बाद जल्दी से आपका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर एंड राइट डाउन हिज और हर कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आपको अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखना है तो आपको अपने आसपास देखना है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रिएट कर रहा है बना रहा है कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उत्पादन बना रहा है जो यूजफुल है ठीक है तो हमने आपका एक सैम्पल आंसर यहाँ लिखा है वो जल्दी से देख लेते हैं तो हमने आपके सैंपल आंसर में यहाँ लिखा है एक आपके ऐसे पड़ोसी के बारे में जो आपके घर के पास कपड़े सिलती है वह मेरे पड़ोस में लोगों के लिए बिना सिले कपड़े से नए सिले सलवार कमीज ब्लाउज शर्ट और पैंट बनाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में योगदान देती हैं तो अगर आप चाहें तो आप किसी और पड़ोसी के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो नई चीजों का उत्पादन करता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है करता है या करती है उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें आपको इमीडिएटली पता चल जाए आज के लिए इतना ही है थैंक यू